असलम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अलहमदिल्ला तो अभी सुबह हो चुकी है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं उठते के साथ ही कर्टन्स हटाऊँ और पूरे घर में जो है वो रोशनी कर दूँ और जब बाहर सूरज निकला होता है और मौसम एकदम परफेक्ट होता है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ मेरा पूरा दिन भी अच्छा जाता है क्योंकि आजकल जो मौसम है ना बहुत अच्छा सा ठंडा सा गर्म सा हुआ हुआ है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर किसी ने मुझसे बहुत लोगों ने पूछा लास्ट व्लॉग में कि मैं पैनकेक कैसे बनाती हूँ तो मैंने मैदा लिया एक कप उसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर डाला है थोड़ी सी शुगर ऐड की है एक अंडा डाला है और बटर डाला है वन टेबलस्पून के बराबर अब हाफ कप के बराबर इसमें दूध डालूंगी और इसको अच्छे से एक पेस्ट की फॉर्म में थिक बैटर बना लेंगे क्योंकि उससे पैनकेक्स जो है वो फिर अच्छे बनते हैं पैन में थोड़ा सा ऑयल लगाना है ताकि जो पैनकेक्स हैं वो स्टिक ना हो जाएं और बस इसी तरह हमें पकाते रहने अपने पैनकेक्स तो सुबह सुबह आजकल मैं यही कर रही हूँ बच्चों के साथ के कभी पैनकेक्स या थोड़ा सा स्क्रैम्बल एग दे देती हूँ मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देती हूँ उनको ताकि उनको अच्छा लगे अब बच्चे भी जो हैं वो एक चीज़ खाकर बोर हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा मुझे परेशानी आजकल ये होती है कि सुबह उठकर मैं यही सोचती हूँ कि आज इफ्तार में क्या बनाना है या खाने में क्या बनाना है क्योंकि डेली एक जैसी चीज़ हम बड़े भी नहीं खा सकते हैं और कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं डेली डिफरेंट चीज़ें ट्राई करूँ या बनाऊँ समटाइम्स खाना बना लेती हूँ तो आज जो मैंने मेन्यू डिसाइड किया है उसमें मैं बनाऊँगी अचार गोश मेरी अपनी रेसिपी से बनाऊँगी आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी साथ ही मैं उनको फ्रेश जूस बनाकर दे दूंगी समटाइम्स मैं इनको जूस दे देती हूँ या कभी मिल्क शेक दे देती हूँ तो ये भी एक अच्छा हेल्थी ऑप्शन रहता है कि बच्चे अगर कुछ सही तरह खा पी नहीं रहे तो मिक्स वेजी एंड फ्रूट्स का आप उनको जूस दें घर का बना हुआ तो उससे भी उनका पेट भरा रहेगा और जूस रेडी हो चुका था और ये कप मैं डॉलर स्टोर से लेकर आई थी मुझे इतने अच्छे लगे कलरफुल से तो मैं तीनों का एक एक ले आई हूँ ताकि इन लोगों की आपस में लड़ाइयाँ ना हो क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है ना हम लोग भी बचपन में करते थे कि उसको अच्छी चीज़ मिल गई मुझे अच्छी नहीं मिली है उसकी अच्छी है मेरी अच्छी नहीं है तो बस मैं इनकी एक ही जैसी चीज़ें लेकर आती हूँ तो अब आपके साथ शेयर करती हूँ अचारी चिकन की रेसिपी तो यहाँ पर मैंने वन टेबल स्पून सौंफ ली है वन टेबल स्पून जीरा है और वन टेबल स्पून खलौजी तो इसको हम मोटा मोटा सब पीस लेंगे ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं करेंगे मैं इसमें कोई टाटरी वगैरह नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चे खाते हैं और मैं नहीं चाहती कि गला ख़राब हो जाए तो अब यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज़ ली है उसको मैंने स्लाइस में कट किया है हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा साथ में हमने वन टेबल स्पून अदरक का और वन टेबल स्पून लहसन का ऐड कर देना है फ्रेशली पिसावा अब इसको भी अच्छे से मिक्स दे देना है और साथ में मेरे पास है मेथी दाना वन टेबल स्पून ये भी हम पूरा इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स दे देंगे मेथी दाने का खुशबू जो है ना वो बहुत अच्छी आती है और इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा निकल के आता है अगर इसको आप पहले फ्राई कर लें सबका अपना अपना तरीका होता है तो मैं जो हूँ वो आपसे अपना अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ अगर अच्छा लगता है तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ ट्राई की हैं और आप लोग को अच्छी भी लगती हैं और अब अच्छा सा जब कलर आ जाए अदरक लहसन का भी तो हमने इसमें तीन बड़े साइज़ के टमाटर जो हैं चॉप किए हुए वो ऐड कर देंगे अब इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटर जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और अब साथ ही इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे मैंने चिकन के बहुत छोटे छोटे पीसेज रखे हैं मतलब ज़्यादा बड़े नहीं रखे हैं येस बेबी तो आज जो है वो बच्चों के सामने ही वॉइस ओवर हो रहा है तो इसलिए उनके साथ भी खेल रही हूँ और अपना वॉइस ओवर भी कंप्लीट कर रही हूँ तो अगर आपको बच्चों की आवाज़ें आएँ तो प्लीज़ माइंड नहीं करिएगा तो जब चिकन का कलर चेंज हो गया मैंने साथ ही इसके अंदर जो मसाला पीसा था वो ऐड कर देंगे और फिर एक बार मिक्स कर देंगे जब ये भी अच्छा सा मिक्स हो जाएगा फिर बाकी के जो मसाले हैं वो ऐड कर देंगे तो सबसे पहले इसके अंदर वन टी के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे भरकर वन टी हल्दी पाउडर जाएगा हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर जाएगा और मिर्ची अपने हिसाब से बैलेंस कर लीजिएगा अब इसके अंदर वन टी स्पून पिसावा ज़ीरा वन एंड हाफ टी स्पून के बराबर पिसावा धनिया और सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर देंगे और मैंने इसमें हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर भी ऐड की थी अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे गरम मसाला मैंने अभी ऐड नहीं किया है जब ये अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे और अब यहाँ पर मेरे पास पैपरीका पाउडर था हाफ टी स्पून के बराबर मैंने ऐड कर दिया है कलर देने के लिए क्योंकि कलर जो है वो अच्छा सा आना चाहिए सालन में तभी सालन में जो है वो जान लगती है तो इसलिए मैंने पैपरीका पाउडर ऐड किया है और अब अच्छे से दोबारा मिक्स कर देंगे और इसको अब अच्छे से हम भूनेंगे तो मसाला मेरा भुन चुका है अब मैं इसके अंदर योगर्ट ऐड कर रही हूँ थ्री टेबल स्पून भर के अब इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे साथ ही मैंने इसके अंदर हाफ टी स्पून के बराबर गर्म मसाला पाउडर भी ऐड कर दिया था और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे ढक के पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए और ऑयल भी निकल आए तो यहाँ पर हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है पानी ड्राई हो जाए तो आपने एक बार फिर से इसकी अच्छे से भुनाई करनी है मेरे पास बड़ी वाली मिर्चें हैं तो मैं उसमें मसाला नहीं ऐड करूंगी मैंने आपको जितने भी मसाले इसमें ऐड किए हैं पिसे हुए या फिर साबित तो हम लोग वो मिर्चों में भर सकते हैं लेमन के साथ लेकिन मैंने दो में जो है सिर्फ लेमन ऐड किया है और दो मैंने ऐसी सबित रखी हैं क्योंकि बच्चे भी खाते हैं तो मैं नहीं चाहती कि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाए तो बस इसी तरह ही मैं अपना चार गोश रेडी करती हूँ और ऊपर थोड़ा सा हम लेमन जूस ऐड कर देंगे वन टी के बराबर क्योंकि मुझे लेमन बहुत मज़े का लगता है अचार गोश् में बहुत एक डिफरेंट सा अच्छा सा फ्लेवर आता है खट्टा सा तो अचार गोश रेडी हो चुका है इसको एक मिनट फिर दम पे रख देंगे और उसके बाद इसको हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और अब मैं रेडी कर रही हूँ नान क्योंकि जब इस तरह के ड्राई सालन बनते हैं तो गरम गरम नान हो तो खाने का मज़ा ही कुछ और होता है तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है और इसके अंदर मैंने सॉल्ट डाला है और बेकिंग पाउडर डाला है थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और उसको मैंने हाफ कप के बराबर दूध ऐड किया है क्योंकि दूध से नान बहुत सॉफ्ट बनते हैं और अब ये मैंने गूँ लिया था थोड़े से पानी के साथ अब जो तवा होता है उसको हमने पहले अच्छे से गर्म करना है और नान की नीचे वाली साइड पे पानी लगाकर उसको हमने तवे पे रखना है उसको एक मिनट के लिए पकाना है फिर यहाँ पर मैं ये ग्रिल यूज़ कर रही हूँ मैंने डॉलर स्टोर से ली थी और आपको ये अमेज़ोन से भी मिल जाएगी तो इसको इसको मैंने रखा और आराम से नान जो है वो सेक लिए हैं अगर आपके पास ओवन की ग्रिल है तो आप उस पर भी रख कर पका सकते हैं अब मैं बना रही हूँ केक वो भी पैन में तो ओरियो कुकी से बनाएंगे, बहुत जल्दी बन जाएगा तो यहाँ पर मैंने ट्वीनि ओरियो कुकीज लिए हैं हम क्रीम और जो कुकी है उसको आपस में सेपरेट कर देंगे मैंने यहाँ पर वनीला वाले लिए हैं आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी यूज़ कर सकते हैं चॉकलेट वाले यूज़ कर सकते हैं आपकी मर्जी है इवन आप किसी और कुकी से भी केक को रेडी कर सकते हैं सेम प्रोसीजर है तो यहाँ पर दोनों चीज़ें सेपरेट हो चुकी हैं अब हमें कुकी लेना है उसके ऊपर वार्म मिल्क ऐड करेंगे और इसको रेस्ट दे देंगे ताकि कुकीज़ जो हैं वो थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए और हमें इसके बैटर बनाने में आसानी हो जाए अब यहाँ पर मैं हाफ कप मिल्क और ऐड कर रही हूँ सारे इंग्रेडिएंट्स मेजरमेंट्स मैं साइड में मेंशन में कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए अब यहाँ पर मैंने एक फोर्क लिया है और उसकी हेल्प से मैं सारे बिस्किट्स जो हैं वो अच्छे से स्मैश कर दूँगी और उसके बाद वेस्क की हेल्प से इसको अच्छे से स्मूथ सा एक बैटर बनाएंगे जैसे केक का होता है मेक श्योर करिएगा कि इसमें कोई लम्स ना रहे और यहाँ पर ये बैटर रेडी हो चुका है अब इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे तो वन एंड हाफ़ टी स्पून के बराबर हम इसमें भर के बेकिंग पाउडर डाल देंगे और वन टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे अब अच्छा सा मिक्स देंगे मेक श्योर करिएगा कि सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आप मेजरमेंट के साथ डालें ताकि आपका केक भी बहुत अच्छा सा बने मिक्स करेंगे साइड में रख देंगे फाइव टेन मिनट्स के लिए अब एक पैन लिया है उसमें हमने ऑयल लगाया है ग्रीस करने के लिए ऑयल नहीं तो आप बटर भी लगा सकते हैं अब यहाँ पर मेरे पास बटर पेपर था इसकी ये ऑप्शनल है आप लगाना चाहें तो लगाएं वरना आप विदाउट बटर पेपर के भी केक बना सकते हैं उसको भी ऊपर से ग्रीस कर लेंगे और थोड़ी देर उसको स्टीम करने के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा प्री हीट हो जाए और उसके बाद फिर हम इसमें बटर ऐड करेंगे तो प्री हीट हो चुका था ये टेन मिनट्स के लिए और अब हमारा जो ये स्मूथ अच्छा सा बैटर बना हुआ है वो हम इसमें ऐड कर देंगे तो इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है टेन टू फिफ्टीन मिनट्स के लिए और बीच बीच में इसको चेक भी करते रहना है और अब इसको कवर करेंगे और यहाँ पर मैंने ले लिया है क्रीम जो हमारी ओरियो बिस्किट से निकली थी और साथ में मैंने इसमें ऐड की है प्लेन डेरी मिल्क चॉकलेट थोड़ी सी ताकि एक अच्छा सा कलर और टेस्ट आ जाए अगर आपके पास डेयरी मिल्क नहीं है तो आप हाफ़ टी स्पून के बराबर कोको पाउडर ऐड कर सकते हैं थर्टी सेकेंड के लिए मैंने इसको माइक्रोवेव में रखा था ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी ताकि इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए स्मूथ सा अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पेस्ट बना देंगे तो ये फ्रॉस्टिंग हमारी रेडी हो चुकी है इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए और हम अपना केक चेक करते हैं तो यहाँ पर केक भी हमारा रेडी हो चुका है फिफ्टीन मिनट्स में और इसको हम अच्छे से पहले ठंडा करेंगे उसके बाद इसमें फ्रॉस्टिंग ऐड करेंगे तो मैंने यहाँ पर नीचे एक पैन रखा है और उसके ऊपर ग्रिल ताकि ये जब हम इसमें फ़्रॉस्टिंग डालें तो हमारी जो फ्रॉस्टिंग है वो वेस्ट ना हो हम उसको री कर सकें तो केक मैंने ठंडा होने के लिए रखा है यहाँ पर डेकोरेशन के लिए मैं स्ट्रॉबेरी यूज़ कर रही हूँ तो अगर आपको क्यूट सा स्ट्रॉबेरी फ्लावर बनाना है तो ये ईजी वे है तो आप इस तरह से बीच से कट लगा बना सकते हैं तो केक अब अच्छे से ठंडा हो चुका है उसके ऊपर जो हमारी फ्रॉस्टिंग थी वो ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छे से केक पे सेट हो जाए और आप चाहें तो बीच से केक कट कर करके बीच में फ्रॉस्टिंग ऐड कर सकते हैं या फिर पाइन वग़ैरह किसी भी तरह के फ्रूट्स अपने माइंड से एक अच्छा सा केक जो है वो रेडी कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर क्रश डेरी मिल्क ऐड कर रही हूँ उसके टॉप पर आप चाहें तो रेमबो स्प्रिंकल्स भी ऐड कर सकते हैं उससे एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा टेस्ट आएगा अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बर्थडे आप इस तरह से घर में सिंपल सा केक बना कर, कर सकते हैं अब यहाँ पर मैंने फ्रॉस्टिंग ली थी पाइपिंग बैग तो नहीं था लेकिन मैंने जिप लॉक बैग में ऐड की है आगे कट लगाया और अच्छा सा एक डिज़ाइन दे दूँगी ताकि एक अच्छी डिसेंट सी केक की लुक जो है वो आ जाए और मैं आपको अभी कट करके भी दिखाती हूँ ये अंदर से बहुत अच्छा स्मूथ बना था आप ट्राई करेंगे तो आपके बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा तो यहाँ पर मैं केक कट करती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ कि अंदर से कितने मज़े का और मोइस्ट बना है और आप लोग मुझे बताएं कि फ्यूचर के व्लॉग्स में आपके साथ अपनी ईद की शॉपिंग शेयर करूँ या नहीं करूँ क्योंकि पहले से थोड़ी बहुत तैयारी करके रखी हुई है बच्चों के कपड़े मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं तो आप लोग चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी फ़्यूचर व्लाग्स में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोग मेरा ईद का ड्रेस या बच्चों के कपड़े देखना चाहते हैं तो तो यहाँ पर ये देखें केक कट क्या है बहुत अच्छा सा मज़े का केक रेडी हुआ था ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपी को और आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी तो यहीं तक था आज का व्लॉग आई होप कि आपको आज की दोनों रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी अगर अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ रेसिपीज़ शेयर करिएगा अगर इसको कोई ट्राई करे तो मुझे इंस्टाग्राम में टैग जरूर करिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे दो में याद रखिएगा थैंक यू ओ सो मच फॉर वॉचिंग बाय अल्लाह हाफिज़